दीदी और दीदी वर्सेस माँ ओ माँ, दीदी ओ दीदी ने उन्हें बूट दिलवाया, अब माँ ओ माँ उनके सीने पर पैर रख देंगी। माँ काली पर प्रधानमंत्री की दो टूक, माँ काली का वो असीमित असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ। जय काली कलकत्ते वाली। स्पेशल रिपोर्ट में बात अब उस विवाद की जिस पर कनाडा से लेकर कोलकाता तक संग्राम छिड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मां काली का जिक्र करते हुए कुछ बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि मां काली का आशीर्वाद हमेशा देश के साथ है। पीएम के बयान के थोड़ी देर बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर से मां काली के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। महुआ मोइत्रा ने आज फिर ट्वीट किया और कहा कि दीदी ओ दीदी ने उन्हें बूट दिलवाया तो अब माँ ओ माँ उनके सीने पर पैर रख देंगी। जाहिर है कि ये पूरा जो विवाद है वो माँ के नाम पर ही हो रहा है, लेकिन ये भी सच है कि माँ तो सिर्फ माँ होती है। इस पर ना कोई चर्चा और ना कोई विवाद, बावजूद इसके काली माँ को विवादों में लाने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में आज आप पहली बार टीवी पर देखेंगे माँ काली की संपूर्ण कहानी। आज पूरी दुनिया में मां काली चर्चा में है। वजह है ये पोस्टर जो कनाडा के टोरंटो शहर के आगा खान म्यूजियम में लगा था। काली डॉक्यूमेंट्री फिल्म के इस पोस्टर में मां काली को सिगरेट के साथ दिखाया गया। पोस्टर में जिस मां काली को प्रदर्शित किया गया वो दुनिया भर के काली भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए काफी है, क्योंकि भक्तों की मां काली ऐसी दिखती है। त्वचा काली, आभूषण के तौर पर नरमुंड का लंबा हार, कई भुजाएं और जीभ बाहर की ओर, तो कहीं मां काली के चरणों में भगवान शंकर लेटे हुए दिखाई देते हैं। जाहिर है इस पोस्टर ने पूरी दुनिया में हिंदू आस्था को आहत किया है। जिस फिल्म का ये पोस्टर है उसकी डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ हिंदुस्तान के कई शहरों में FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कनाडा से मां काली पर जो संग्राम शुरू हुआ वो कोलकाता तक पहुंच गया। वही कोलकाता जिसकी पहचान कालीघाट और दक्षिणेश्वर काली मंदिर से है। बंगाल से लोकसभा में नुमाइंदगी करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली पर जारी विवाद में आग में घी डालने का काम किया। महुआ मोइत्रा के मुताबिक वो देवी काली को एक मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी के रूप में देखती है। लगे हाथ कांग्रेस सांसद शशि थरूर से लेकर स्वरा भास्कर ने मोइत्रा के स्टैंड को इंडोर्स कर दिया। कोलकाता की सड़कों पर मां काली के भक्त अपने आराध्य देवी के अपमान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। शहर शहर महुआ मोइत्रा के खिलाफ मां काली के भक्त शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंचने लगे। इस बीच मां काली के जिस फिल्म के पोस्टर पर सारा विवाद शुरू हुआ उस फिल्म के डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई अब ये कह रही हैं कि हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। जाहिर है मां काली को लेकर जारी विवाद अब हिंदुत्व की रक्षा का सवाल बन चुका है। पूरे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। पीएम मोदी के मुताबिक सब कुछ मां काली की चेतना से ही व्याप्त है और मां काली का आशीर्वाद हमेशा देश के साथ है। जब भी बेलूमर जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीमित असीम आशीर्वाद हमेशा
भारत के साथ है। दरअसल प्रधानमंत्री रविवार को स्वामी आत्मस्थानंद के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने माँ काली को लेकर भी चर्चा की, लेकिन जिस काली को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, उस देवी काली के स्वरूप के बारे में हम और आप कितना जानते हैं, आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर बात होगी। माँ काली का असली स्वरूप क्या है? माँ काली काली क्यों है? माँ काली गुस्से में क्यों दिखती है? माँ काली हंसते हुए क्यों नहीं दिखती? माँ काली को कालिका और महाकाली के नाम से भी बुलाया जाता है। देवी काली दरअसल माता पार्वती का काला स्वरूप है, जिनकी उत्पत्ति असुरों, दुष्टों और दानवों के संहार के लिए हुई थी। माँ काली शाक्त परंपरा की 10 महाविद्याओं में से भी एक हैं। सृष्टि का आदि कारण ही जो है वो शक्ति है, जिसमें जो पराशक्ति है, आदि शक्ति, वो महाकाली है। काली का अर्थ होता है काल, समय। तो समय के आधार पर जो है वह अपना प्रकट हो करके और अपने स्वरूप शक्ति के माध्यम से तीन गुण से परे माँ भगवती ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया और उनके माध्यम से यह सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया गया है। पंडित जी, इसीलिए इनका नाम है महाकाली। माँ काली के नाम से ही उनके नाम का मतलब साफ है। काली का मतलब है काल या समय से पैदा हुई। श्री दुर्गा सप्तशती के मुताबिक काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। महाकाली जी का जो स्वरूप है वो भक्तों के लिए कल्याणकारी है और दैत्यों के लिए, दुष्टों के लिए विनाशकारी है। देवासुर जब संग्राम हुआ था उसमें दैत्यों का विनाश करने के लिए माँ दुर्गा ने अपने अनेक रूप धारण किए और उन रूपों में जो है माँ ने अनेक दैत्यों का विनाश किया। उन दैत्यों में एक दैत्य था रक्तबीज। ज्यादातर तस्वीरों में माँ काली के चरणों में देवों के देव महादेव लेटे हुए दिखाई देते हैं। देवी काली के चरण भोले बाबा के सीने पर और जीभ बाहर की ओर होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर क्यों भगवान शंकर माँ काली के चरणों के नीचे आ गए? क्यों माँ काली ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली? दरअसल माँ काली की कई कथाओं में से एक है रक्तबीज नाम के एक दैत्य की कथा। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्तबीज वध का जिक्र है। दैत्य रक्तबीज को भगवान ब्रह्मा का वरदान था। युद्ध में अगर रक्तबीज के शरीर से एक भी खून की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे नया रक्तबीज जन्म लेगा। रक्तबीज अपने इस वरदान का इस्तेमाल देवताओं में आतंक फैलाने के लिए करने लगा। आतंक इतना बढ़ गया कि दानवों और देवताओं में युद्ध हुआ। लेकिन जैसे जैसे रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता गया, एक एक कर सैकड़ों दैत्य पैदा होते गए। इसीलिए रक्तबीज को हराना नामुमकिन हो रहा था। इसके बाद देवताओं ने माँ काली की शरण ली। देवताओं की मदद के लिए माँ काली ने विकराल रूप धारण किया। माँ काली के हाथों में अस्त्र शस्त्र, एक हाथ में खप्पर और गले में खोपड़ियों की माला थी। माँ काली ने अपनी जीभ को लंबा किया और रक्तबीज की एक भी खून की बूंद को धरती पर नहीं गिरने दिया। काली माँ ने दैत्य रक्तबीज का पूरा रक्त पी लिया, लेकिन उनके अंदर इतना गुस्सा आ गया कि देवता माँ काली को शांत करने में असमर्थ रहे। तब देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की कि वो महाकाली को शांत कराएं। जब भगवान शिव कई बार कोशिश के बावजूद काली माँ के क्रोध को शांत करने में असफल रहे तो माँ काली के चरणों के पास जाकर लेट गए। इसके बाद माँ काली को एहसास हुआ कि वो उनका पैर देवादिदेव के शरीर पर है। तब जाकर काली जी का गुस्सा शांत हुआ। रक्त बीज के वध करने के समय ही जो है उन्होंने जीवा के द्वारा उसके एक एक बूंद रक्त को जो है पी गई थी, चाट लिया था ताकि कोई रक्त न रह जाए। इसलिए माँ की जीवा उसी समय लपलपाती हुई तलवार की भांत, बिजली की भांत जैसे कड़कती है आकाश मंडल में,
उस प्रकार से ये अपनी पूर्ण शक्ति के साथ दानवों की आसुरी शक्ति को ये पीती थी। इसलिए स्टैचू में मूर्ति में जो है वो जीव का स्वरूप दर्शाया गया है। नवरात्र के सातवें दिन माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है। यहाँ माता गले में विद्युत की माला धारण करती है, इनके बाल खुले हुए हैं और गर्दभ की सवारी करती है। कलयुग में तीन देवी देवता जागृत कहे गए हैं, बजरंगबली, कालिका माँ और भैरव। माँ कालिका की उपासना जिंदगी में सुख शांति शक्ति और विद्या देने वाली बताई गई है। माँ काली के कालिका स्वरूप की पूजा खासतौर पर पश्चिम बंगाल और असम में की जाती है। माता सती के 52 शक्ति पीठों में ये कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। इस पूरे इलाके को काली घाट कहते हैं। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थी और यहाँ माँ काली के महान भक्त रहे रामकृष्ण परमहंस की आराध्य देवी माँ कालिका का निवास भी है। रामकृष्ण परमहंस ने खुद को माँ काली को समर्पित कर दिया था। उनकी दिलचस्पी सिर्फ माँ काली में थी। जब माँ काली रामकृष्ण परमहंस में प्रबल होती तो वो आनंद विभोर होकर नाचना गाना शुरू कर देते और जब वो थोड़ा मंद होते या माँ काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर देते थे। स्वामी परमहंस ने खुद ही कहा था कि वो माँ काली को चाहते हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ को चाहता है। रामकृष्ण परमहंस ने पूरा जीवन माँ काली के भक्त के तौर पर बिताया। उनके लिए देवी काली कोई देवी नहीं थी, वो एक जीवित हकीकत थी। काली उनके सामने नाचती थी, उनके हाथों से खाती थी, उनके बुलाने पर आती थी और उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी और यही हकीकत भी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने माँ काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने माँ काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है, यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। रामकृष्ण परमहंस एक मर्तबा बीमार पड़े, इस पर उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा कि वो स्वस्थ होने के लिए काली माँ से प्रार्थना करें। इस पर जानते हैं रामकृष्ण परमहंस का क्या जवाब था। उन्होंने कहा कि इस तन पर काली माँ का अधिकार है और वो जो करेंगी मेरे लिए अच्छा ही करेंगी। 15 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस ने 3 बार माँ काली का उच्चारण करते हुए समाधि ले ली। रामकृष्ण परमहंस अच्छे से समझते थे कि उन्होंने माँ काली का हाथ नहीं पकड़ रखा है बल्कि माँ काली ने रामकृष्ण परमहंस का हाथ थाम रखा है। काली को तंत्र मंत्र की देवी भी कहा जाता है, तो उनमें शक्ति और बुराइयों से लड़ने वाली शक्ति भी है। उनके भगवान शिव के बाल स्वरूप के सामने उनके मातृ रूप का भी बखान है। वो पार्वती का एक अंग है तो शिव और शक्ति के करीब भी हैं। वो त्रिशूल से लेकर हंसुली और खड़ग जैसे कई शस्त्रों का इस्तेमाल करती है। माँ काली न सिर्फ भगवान शिव की शक्ति है, वो स्वामी विवेकानंद की भक्ति भी है। स्वामी विवेकानंद जिंदगी भर माँ काली के अनन्य उपासक रहे और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल स्वामी विवेकानंद जब युवावस्था में थे उनके पिता का देहांत हो गया, परिवार में आर्थिक तंगी आ गई। पढ़ने की उम्र में नरेंद्र के ऊपर नौकरी करने का दबाव बढ़ने लगा। परेशान होकर युवा नरेंद्र अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को सलाह दी कि वो माँ काली की मूर्ति के सामने जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि वो आर्थिक दिक्कतें उनकी दूर कर दे। 3 बार स्वामी
विवेकानंद को उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली के पास भेजा और तीनों बार उन्होंने आर्थिक दिक्कतें दूर करने के बजाय विवेक, वैराग्य और भक्ति की माँ काली से प्रार्थना की। बाद में रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को आशीर्वाद दिया कि उन्हें खाने की, कपड़ों की कभी कोई दिक्कत ना हो, और हुआ भी यही। स्वामी विवेकानंद को माँ काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माँ काली के अनन्य भक्तों में से एक है। माँ काली को लेकर इनकी भक्ति ही है। जब वो पिछले साल मार्च में बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे तो यहाँ वो सबसे पहले जेशुरेश्वरी काली मंदिर पहुँचे, पूरे विधि विधान से माता की आराधना की। बतौर भक्त उन्होंने कोरोना महामारी से उबरने की प्रार्थना माँ काली से ही की थी। अब ये माँ काली का ही प्रताप कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जीतने के बेहद करीब है। माँ काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, माँ से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दरबार में भी कई बार हाजिरी लगाकर माता का आशीर्वाद ले चुके हैं। ये है गुजरात की ऊंची पहाड़ी पर बसा पावागढ़ मंदिर। यहाँ मौजूद काली माँ को महाकाली कहा जाता है। कहते हैं यहाँ माता का जागृत दरबार सजता है, लेकिन यहाँ पिछले 500 सालों से पताका नहीं फहराया जा रहा था। मंदिर के शिखर को लगभग 500 साल पहले सुल्तान महमूद बेगड़ा ने तबाह कर दिया था। मंदिर के शिखर पर पहले हजरत सदन शाह वाली पीर दरगाह खड़ी थी। आम सहमति से मंदिर के ऊपर बनी दरगाह को वहाँ से हटाया था और 125 करोड़ रुपए की लागत से माँ काली के इस मंदिर का पुनरुद्धार किया गया था। पिछले महीने की 18 तारीख को इसका उद्घाटन खुद माँ काली के भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। माँ काली के चरणों में आकर क्या मांगू, माँ काली का आशीर्वाद लेकर इतिहास गवाह है। स्वामी विवेकानंद जी माँ काली के आशीर्वाद लेकर के जन सेवा से प्रभु सेवा में लीन हो गए थे। मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ, और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। हमने आपको मां काली के कई स्वरूपों से वाकिफ कराया, लेकिन माँ काली के जिस स्वरूप को इस फिल्म के पोस्टर के जरिए बताने की कोशिश की गई, जिस तरह माँ काली को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की कल्पना है, वो माता काली को लेकर दुनिया भर के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की सनातनी सोच से कहीं मेल नहीं खाती, और यही वजह है माँ काली पर आज संग्राम छिड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।